खास नहीं थे फिल्म सालार के लिए प्रशांत नील की पहली पसंद। किस एक्टर ने की प्रशांत की इस फिल्म अपकमिंग एक्शन थ्रिलर को ठुकराने का डेयर। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रिड स्टूडियोज में। केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील ने जब से अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट सालार की अनाउंसमेंट की है, पूरे देश की निगाह फिल्म पर ऐसे जुड़ी खबरों पर टिकी ही हुई है। हो भी क्यों ना, आखिर यह फिल्म दशक की दो बड़ी फिल्में बाहुबली और केजीएफ का कॉम्बिनेशन जो है। केजीएफ डायरेक्टर संग बाहुबली एक्टर और ग्लैमर के लिए तो हमारी श्रुति हसन है ही, और अगर कुछ कसर बाकी रह गई तो वो कभी श्रीनिधि शेट्टी के ठुमके पूरे कर देंगे। इन सभी खबरों को तो हम आपके साथ पहले ही साझा कर चुके हैं, लेकिन आज जो खबर लेकर हम आए हैं वो जरूर आपको हैरान कर देगी। ये क्या है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं आज ऐसी ही फिल्म की। अपनी लास्ट हिट के बाद प्रशांत इंडस्ट्री का वह नाम बन चुके हैं जिसके साथ काम करने का मौका मिलने के लिए बड़ा सा बड़ा सितारा तरस रहा है। और अगर फिल्म का जोनर एक्शन थ्रिलर है, फिर तो उनका उग्रम और केजीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आंख बंद करके भी स्क्रिप्ट साइन की जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत की सालार स्क्रिप्ट ठुकरा दी गई थी? जी हाँ, दरअसल प्रशांत ने फिल्म की कहानी उनके केजीएफ एक्टर यश को दिमाग में रखकर लिखी थी, लेकिन जब यश ने यह स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इस पर काम करने से मना कर दिया। यश ने ऐसा क्यों किया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब कुछ बदलाव के बाद यह स्क्रिप्ट प्रभास ने सुनी तो उन्होंने तुरंत ही उसके बारे में हामी कर दी। वैसे भी प्रभास प्रशांत नील के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और उनके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड भी। ऐसे में ये मौका उनके लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, इसलिए उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत इस मौके को लपक लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों ही सितारों ने अपनी फिल्मों से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देश भर में फेमस किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सालार के स्क्रिप्ट पर दोनों की अलग सोच में से किसकी जीत होती है, किसके स्क्रिप्ट चॉइस दूसरे पर भारी पड़ती है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय उपासना पांडे।